बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर 5। अब ज़रा इंट्रो में वापस जाते हैं लेक्चर नंबर 5 के स्टार्ट को करते हुए, और हमने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? दो पढ़ी थी। डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज पढ़ी थी। पहली एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट क्रेडिट। और फिक्स एसेट नॉन करेंट एसेट को क्यूमुलेटिवली पीपीई कहते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, इन टूडेज लेक्चर वी विल डील विद द सेकेंड ऑप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंट्री, डेट वॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट नॉन करेंट एसेट क्रेडिट। अब पहले तो एक कॉन्सेप्ट ठीक कर ले। इंट्रो में अक्सर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट खराब रहता है, कहने के बावजूद WDV एक टर्म भी है और WDV के साथ एक मेथड भी अटैच्ड है। WDV एक टर्म भी है और WDV के साथ एक मेथड भी अटैच है। बेटा WDV एक टर्म है और उसका फार्मूला है मेरे बच्चों। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं? 5। तो इसका मतलब पांचों में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती होगी, तो फिर WDV भी पांचों में होती होगी। इन पांचों में से एक मेथड WDV मेथड है। तो पहली बात तो ये कि WDV टर्म कुछ और है और WDV मेथड टर्म पांचों मेथड में आएगी, मेथड अकेला है। लिखो, वी विल नॉट कंफ्यूज आवर सेल्फ। क्या बोला? वी विल नॉट कंफ्यूज आवर सेल्फ फॉर WDV। वी विल नॉट कंफ्यूज आवर सेल्फ फॉर WDV। इट हैज टू पिक्चर्स। इट हैज, बोलिए, टू पिक्चर्स। ऑन वन साइड इट इज अ टर्म, TERM। ऑन वन साइड जी भाई, ऑन वन साइड बोलिए इट इज अ टर्म, ऑन द अदर साइड इट इज अ डेप्रिसिएशन मेथड। एक तरफ ये एक टर्म है और दूसरी तरफ ये एक मेथड है। टर्म कितनी जगह आएगी? टर्म कितनी जगह आएगी? पांच जगह पे आएगी। बच्चों लास्ट बेंच पे ही बैठ जाए, इधर बेंच पूरा हो गया, लास्ट बेंच पे बैठ जाए, खाली बेंच है, कल से हम ध्यान रखेंगे। जी बच्चों क्या बात हो रही थी? टर्म कितनी जगह आएगी? पांच जगह, और मेथड एक जगह। अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, इफ वी फॉलो दिस एंट्री देन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर विल नो मोर बी। क्यों? डेप्रिसिएशन की एंट्री में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। क्या नहीं है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी नहीं बनेगा। किस मेथड में? किस मेथड में? पांचों मेथड में। इसका मतलब पांचों मेथड में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री सिलेक्ट की? डेप्रिसिएशन डेबिट, ओके हो गया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। क्या पांचों मेथड्स में WDV होगी? WDV होगी? क्या पांचों मेथड में WDV मेथड होगा? नो सर, ये नहीं होगा सर। आगे नोट, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट WDV एनी डेप्रिसिएशन मेथड कैन बी। ये जो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर किया, अब क्या होगा? अब एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कल वाला ही डाटा होगा, बस वो क्या कहेगा? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हुए
क्या रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। देखिएगा फॉर्मेट, देखें जरा, कल तक यहां क्या होती थी? कॉस्ट, कॉस्ट। आज क्या है? डब्ल्यू डी बी। कल यहां क्या होती थी? कॉस्ट। आज भी क्या है? कॉस्ट है। आने वाला तो अपनी जिंदगी के स्टार्ट में है, और स्टार्ट में तो डब्ल्यू डी बी नहीं होती, तो यहां हमेशा क्या आया करेगी? कॉस्ट आया करेगी। अब डेप्रिसिएशन की अभी पिछले पेज पे एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फिक्स एसेट। कल तक डेप्रिसिएशन यहां नजर नहीं आती थी, आज से डेप्रिसिएशन यहां नजर आएगी। अच्छा, जब कभी एसेट अकाउंट में जाओगे और उस एसेट अकाउंट को खोल कर देखोगे, तो वो अपनी कॉस्ट पे खड़ा होगा या अपनी डब्ल्यू डी बी पे? वो अपनी डब्ल्यू डी बी पे खड़ा होगा। अगर तुमने उसे बेच दिया तो एसेट अकाउंट में उसकी क्या पड़ी हुई है? तो जब बाहर निकलेगा तो डब्ल्यू डी बी से निकलेगा, और तुम्हें क्या लेजर नजर नहीं आएगा? अकुमुलेटेड। कह सकता हूं टू इन वन हो जाएगा, पहले एसेट अलहदा था और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा। आज दोनों एक ही जगह मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री है और फिक्स एसेट। अब मुझे बताओ, कल तक ये सीडी क्या होता था? कॉस्ट पे। आज क्या होगा? अब तब्दीली देखना, बीडी आना जाना, रुक जाना, दोबारा सुनना, ओपनिंग आना जाना, रुक जाना, डेप्रिशिएट करवाना, एंट्री बोलो। तो आज से अलर्ट हो जाए, क्वेश्चन को पहले देखा करेंगे। अगर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो कौन सी एंट्री पास हो रही है? उसके लिए कल शाम तक का काम। और अगर आज उसने कहा वो भाई एसेट अकाउंट डब्ल्यू डी बी पे पड़ा हुआ है, तो फौरन समझ जाना कि ये कौन सी एंट्री पास कर रहा है। फिक्स एसेट डब्ल्यू डी बी पे बनेगा कौन से मेथड में? सारों में। सारों में, ये बात समझे। बच्चा क्या समझता है? डब्ल्यू डी बी पे बनेगा तो फिर डेप्रिसिएशन का मेथड भी डब्ल्यू डी बी होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डब्ल्यू डी बी पे बनाओ डेप्रिसिएशन जो मर्जी अंदाज से लेकर आओ। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पांच अंदाज हैं। कितने हैं? पांच हैं। आगे देखें, पढ़े। फोन का कोई भी नहीं आता यार, नसीर को बुलाओ। अहमद हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेटा, फर्नीचर का ओपनिंग कॉस्ट, और ये क्या है? डब्ल्यू डी बी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2009 में कितने एडिशन हुए? दो। कितने डिस्पोजल हुए? एक। डेप्रिसिएशन का मेथड और रेट क्या कह रहा है? क्या बना दो। अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी, क्या ये क्वेश्चन पहली डेप्रिसिएशन एंट्री के अकॉर्डिंगली चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता? ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। क्या नहीं है? हमें क्या पता ये एसेट कब खरीदा था, क्या इसकी स्टोरीज थी। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती तो लाइव क्या हो सकती है? आसान। और नीचे उसने बता भी दिया क्या बनाओ, एसेट अकाउंट बनाओ। एसेट अकाउंट ब्रैकेट में लिख लें डब्ल्यू डी बी, एसेट अकाउंट ब्रैकेट में डब्ल्यू डी बी। पीडीएफ आ गया आपके पास भाई? पीडीएफ आ गया, ओपन करें मोबाइल, मोबाइल ओपन करें, ये हटाएं। ये सॉरी कॉस्ट है, स्टेटमेंट से वो हटा दिया। यहां पे क्या लिखूंगा? प्रिपेयर एसेट अकाउंट ब्रैकेट में डब्ल्यू डी बी। अब मुझे बताइए, एडिशन सिखाया था? जी सिखाया था। डिस्पोजल सिखाया था? जी सिखाया था।
स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाया था? जी सिखाया था। क्या नहीं सिखाया था? डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं सिखाई थी। कौन सी? डेप्रिसिएशन डेबिट, फिक्स एसेट। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ देखें एसेट का नाम क्या है। अभी पिछले पेज पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, वो फॉर्मेट आप अपनी रजिस्टर पे बना लें। मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूं, दो मिनट। एसेट अकाउंट का फॉर्मेट बना लें, एसेट अकाउंट का फॉर्मेट, एसेट अकाउंट का फॉर्मेट बना लें प्लीज। क्या बनाया? एसेट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। बनाएं बनाएं, जल्दी से बनाएं, शाबाश। चाय सही लाइए, चाय ले आते ना बेटा, बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी, बातें नहीं। एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? फर्नीचर अकाउंट किस पे बनाना है भाई? फर्नीचर अकाउंट किस पे बनाना है? WDV पे बनाना है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, BD लिखूंगा तो किस पे लिखूंगा? WDV पे। डेट बताएं ओपनिंग, 1/19, 1/19, ठीक है। बैलेंस BD कितना? 25,000। ये BD क्या है? WDV। क्या मेरे साल में कोई एडिशन हुआ? एडिशन की एंट्री बताएं अपनी, अपनी, क्योंकि यहाँ WDV आ ही नहीं सकता, खरीद के ला रहे हैं, तो आज उसकी जिंदगी का पहला दिन है। पहले दिन कोई अपनी WDV पर किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। कब बाई किया? 1/3/9। फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। अपनी कितना? 60,000। कोई छोड़ के गया भाई? दो एडिशन है, दूसरा कब हुआ? 1/6/9। फर्नीचर डेबिट, अपनी कितने पे? 90,000 पे। कितने गए? कब गया? ओए हो, 30/9/9 जाने की एंट्री बोले। डिस्पोजल डेबिट, अपनी WDV पर। शाबाश। है मेरे पास? अभी नहीं है, लेकर आऊंगा। अभी नहीं है, लेकर आऊंगा। तो कह दूं वर्किंग नंबर 1 होगी, और फिर साल का आखिरी दिन आएगा। एसेट को क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, और फिर साल का आखिरी दिन होगा 31/12/9। क्या आएगा? बैलेंस CD, बैलेंस CD आएगा। लेकिन जो बैलेंस CD आएगा वो अपनी WDV पर आएगा। ये फॉर्मेट बना लिया? क्या उसने डिस्पोजल अकाउंट भी मांगा है? अच्छा, कल तक डिस्पोजल में कितनी आइटम्स आती थी? 4। आ जाएंगी 3। कौन छोड़ के चला गया? वो एंटी छोड़ देंगे। आए जरा डिस्पोजल का भी फॉर्मेट बना लें, फिर एक ही दफा सॉल्व करेंगे।
जैसे मैं कहता हूँ ना, F1 पास करना मुश्किल नहीं है, आप भी कहेंगे कोई 15 दिन के बाद इंशाल्लाह, आप कहोगे यार ये सही हो गया, वक्त ज़ाया ही होना था, धुंध में ना कोई काम होता है ना कोई, ये सिर्फ क्लास है जो धुंध में भी हो जाती है और सर्दी में भी हो जाती है। ठीक है भाई जी, क्या बनाऊँ? डिस्पोजल अकाउंट, बातें नहीं प्लीज। डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट अपनी WDB पर, और कौन सी एंट्री नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? वो है ही नहीं, है पहले ही अपनी WDB पे आ चुका। यहां कॉस्ट लिखो, यहां अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो, दोनों नेट करो तो WDB बचती है। आज वो WDB हम स्टेट अवे ले आए। ओके, अब जब बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश डेबिट डिस्पोजल, अगर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, अगर गेन हुआ तो डिस्पोजल डेबिट। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, शाबाश, वेल डन। ओके, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। रेट कितना? एसेट अकाउंट किस पे बनेगा? एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन। बस यहां पे जो बच्चे की कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह आपकी दूर हो गई, अल्लाह ने चाहता। अब क्या करूंगा? इसे टोटल कर दूंगा, कर दे 175,000। आना यहां पर भी 175,000 है। अब कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी आती है? कह सकता हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009 का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009 का बनाओ। बनाए भाई, जी भाई यहीं पे तो मैंने आपको टाइम दिया। अब फिर अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। यहां शैतान कह रहा है WDB है, वहां बंदा कह रहा है स्ट्रेट लाइन है। अब बार बार शैतान कह रहा है WDB है डेप्रिसिएशन WDB से, और मैं बार बार तुम्हें खींच के ला रहा हूं। ओ भाई डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पर है, यानी कॉस्ट माइनस, इसलिए यहां टकराव होता है। WDB बार बार कहेगा, और WDB पे आपने कहना भाई मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब याद करें जरा क्या किया करते थे। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। बताओ जी ओपनिंग कितने है? ना ये नहीं लेना, ये लेना है। कितने बच्चों ने गलती की? हाँ बस ध्यान से, अब उसको सर्कल कर ले रेड में। अच्छा गलती बतानी है, हम सब सीखने वाले हैं, ठीक है? रेड सर्कल कर ले कि ये मिस्टेक नहीं करनी मैंने। मैंने क्या ढूंढ के लाना है भाई? क्या ढूंढ के लाना है? कॉस्ट कितनी है? 2,00,000। मेथड कौन सा है? अब मुझे बताएं इस कॉस्ट में से क्या माइनस करो?
डिस्पोजल की, डिस्पोजल की, क्योंकि मैं किस मेथड में हूं और यहां स्ट्रेट लाइन की बोलती बोली जाएगी, उसकी लैंग्वेज चलेगी, WDV की लैंग्वेज चलेगी। WDV तो एक टर्म है और स्ट्रेट लाइन एक मेथड है। डेप्रिसिएशन मेथड से होगा, टर्म से नहीं होगा। लिख लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेथड से बनेगा, टर्म से नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेथड से बनेगा, किससे नहीं बनेगा? टर्म से नहीं बनेगा। बताएं जी, जाने वाले की कॉस्ट जी 30,000, कितना बचा? ये 1,70,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ दोज एसर्स विच हैव बीन यूज फॉर द ऑल ईयर। अब इसमें से माइनस क्या करनी थी? नहीं है तो छोड़ दूं। रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं? बोलो 34,000। जी तो सर, ये फुली डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर हमारे पास WDV 25,000 है। जी इस साल जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है वो 34,000 है। ये तो ये WDV है। हां WDV से एक्सीड कर रहा है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हां इसको बढ़ा लेना चाहिए। कितना बढ़ाऊं? 50 कर दो। नहीं डिस्पोजल की भी तो जाननी है। कोई बात नहीं, 1,50,000 कर दो, 1,50,000 कर दो। अभी बताता हूँ बच्चा क्या कह रहा था। 1,50,000 कर दो, वरना आगे हमें पता चलता, यहीं से देख लेते, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। ये कितना बना भाई? ये कितना बना? 3,00,000। अहमद उधर कर दो फिगर चेंज। इधर भी कितना आ गया? 3,00,000। आओ भाई, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई ओपनिंग एसेट्स की? 34,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, कितने एडिशन हुए? दोनों अपनी जिंदगी के पहले साल में है, पहले साल में है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर ये अपनी जिंदगी के दूसरे साल में होते तब भी यही रहता, क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आओ भाई बोले। 60,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाऊं? रूल बोले। कितना बना? कितना हुआ यार? मलिक को बुला दे। दूसरी आइटम माइनस इनटू फ्रैक्शन बाइंग से ईयर एंड, कितना बना? कितना बना? 10,500। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, क्या लो कॉस्ट? बताएं जी, जाने वाले की कॉस्ट उधर जी 30,000 माइनस है रेट फ्रैक्शन जी 9/12 बोले 4,500। ये सारा काम कल किया बच्चा, हमने थोड़ी देर के लिए ये भूल ही गए कि एसेट अकाउंट किस पे बनाना है, क्योंकि इस कैलकुलेशन का उस टर्म से, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है? डेप्रिसिएशन मेथड से। हमने मेथड के अकॉर्डिंगली काम कर लिया, तो ये काम कल का है, ये आज का नहीं है। आज का काम सिर्फ यही है कि फॉर्मेट चेंज किया। क्या किया? टोटल कर दें 59,000। ये क्या है? इसकी एंट्री लिखवाएं और फर्नीचर
कितने से? 59,000 से। आ जाए भाई, डेप्रिसिएशन डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट 59,000 से। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब एसेड अकाउंट किस पे बन रहा है? तो फिर जाने वाले की क्या चाहिए? केस डेट की 30/9/9 की। और हमें पता है जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन में एक फार्मूला अवेलेबल है। वो फार्मूला क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव। यार मलिक साहब को ढूंढे, मैं 5 बंदों को कह चुका हूं। कॉस्ट बताएं जाने वाले की, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन रेट। अब आ जाए, कब बाय किया था? क्वेश्चन में गिवन है एक, पहली डेप्रिसिएशन कितने महीने, फिर हम किस साल में है, तो फिर 31/12/8 तो पूरे 12 महीने। कब गया? 30/9/9 कितने महीने टोटल करें? 28 कहां से आ गया बच्चियों? तुम ना पता नहीं सर को चाहती हो गए। 2.5 ईयर्स। लो बच्चों 2.5 ईयर्स। आंसर दे, ये 15,000 क्या है? लेकिन वहां से आउट करना है WDB को। WDB का कल फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट बोले अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDB। अब ये कितने से आउट हो जाएगा? 15,000 से। कितने से आउट हो जाएगा? 15,000 से। अब बताएं जी बैलेंस सीडी 2,26,000। ये 2,26,000 क्या है? कॉस्ट या WDB? WDB। अब एसेट अकाउंट बन रहा है WDB पे, डेप्रिसिएशन हो रही है स्ट्रेट लाइन पे। अब क्या बनाऊंगा? कौन आज डिस्पोजल में नजर नहीं आएगा? हमने कहा यार तुम नहीं आ रहे हो, कहते हैं मेरा इनविटेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है इनविटेशन? WDB पे बना लिया। ओके हो गया, डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर अपनी WDB से क्रेडिट। कितनी है WDB? कितना कैश आया? एंट्री बोले गेन हुआ लॉस हुआ? कितने का? 3,000 का। टोटल कर दो 15,000। आप सुन ले, अगर मेन आंसर है तो लहजे के नीचे डबल लाइन लगा के टोटल करोगे, और अगर वर्किंग में है तो बोले फिर नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में टाइम बचाना है। जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको FR1 के टिप्स देता रहूंगा, ठीक है भाई? कॉपी कर लिया। अब क्या करूंगा? अब सर अंसारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा, यहां पर आप टिल्ड लेकर आएंगे। तैयार हो? मुश्किल तो नहीं है? शाबाश, मुश्किल कुछ भी नहीं, आप जैसे माशाल्लाह 6 बच्चों के लिए। अपनी नजर भी उतारा करें, और नजर बरहक होती है पढ़ने वाले। यार आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी माजरत जी। नहीं नहीं, वो तो हम कर सकते हैं, इस कॉस्ट में से WDB माइनस करें अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने नीचे लिखवाया कि अहमद यहां से चेंज करो। अगर ये हटा दूंगा ठीक है, तो फिर किस पे चलूंगा? फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आगे चलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि पेपर में वो कैसे देता है जी। कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं रिवर्स बैक करके, बहुत तरीके, कल हमने इसीलिए रिवर्सल भी सीखी थी। अब देखिएगा जरा,
पढ़ें बेटा, ध्यान से पढ़ें, सॉरी पीडीएफ शेयर कर दे। ये आपके लिए ना, आपने करना है सॉल्व भाई जी। और कब करना है भाई जान, कमाल हो गया यार जी। हाँ जी, नहीं सुने भाई, हमने बुक वैल्यू दे दी, इशू दे दिया, यहाँ पे भी WDB लिख दो यार। भाईजान जरा चाय में ज़्यादा मसरूफ़ है, हासिलपुर ज़्यादा याद आ रहे हैं इन्हें। वैसे दूसरे तरीके से हो सकता है भाई, अभी देखो मेरी जान, भाई जान जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो यार। जब मैंने आपको टेस्ट करना होगा तो टेस्ट में माशाल्लाह सारे जोहर दिखाओगे आप अपने, ठीक है। अभी मेरे क्लास के क्वेश्चन पे अपने जोहर नहीं दिखाने, किस पे दिखाने हैं, टेस्ट के क्वेश्चन पे। लिख दो भाई जान, चाय बाद में पी लीजिएगा। थैंक यू। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स एट WDB। कितने एडिशन है, दो। कितने डिस्पोजल है, कितने डिस्पोजल है, दो है। ये इधर आने लगा है ना सर, अगला टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं सर अहमद को। बस कुछ मौसम ऐसा है ना, कुछ इसलिए इनका दिल यहाँ पे लाहौर में जरा कम कम ही लग रहा है जी मेरे दोस्त। कॉस्ट हमेशा पूरी लाइफ में सेम रहती है, क्योंकि ओवर द पीरियड कॉस्ट चेंज नहीं होती। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर जाती है, WDV नीचे आती है एक एसेट के लिए। एक एसेट की कॉस्ट लाइफ में सेम, और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर और WDV नीचे। करें भाई, WDV पे बनाना है भाई, एसेट अकाउंट WDV पे बनाना है। कितनी देर लोगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, जल्दी करें। किधर हो यार, यार हम लिंक रोड क्या करने गए थे, यही पूछ रहा हूँ। लिंक रोड क्या करने गए थे यार, इतना टाइम लगा। वो तो कह रहे हैं बैंक गए हुए हैं वो। जल्दी भाई, जल्दी, शाबाश।
तेज काम करें, तेज काम करें, शाबाश। शुरू करें, आओ ओपनिंग WDV बताएं। बुक वैल्यू का मतलब कितनी है? 15 लाख। एडिशन बोले 4 लाख। 4 लाख। डेट बोले 1 2 7। कितना है? 4 लाख। बेटा आपस में नहीं कमेंट्री, प्लीज रिक्वेस्ट है। दूसरा एडिशन 1 4 7। कितने का? 6 लाख 50 हजार। कितने डिस्पोजल है? पहले ये लिखना है 31 5 7। 31 5 7। दूसरा कब है? 31 8 7। बेटा बातें नहीं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, ये भी आउट होगा अपनी WDV से। आगे छींक पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सामने वाला यरहमकुल्लाह कहता है, ठीक है? हम एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। 31 12 9 7, और ये भी 31 12 7। बैलेंस CD। ओके हो गया। डिस्पोजल अकाउंट कितने बनेंगे? दो बनेंगे, अभी एक ही बना रहने दें। आए भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का लेना है? 2000। ओपनिंग कॉस्ट बताएं 15 लाख। भाई मेथड डेप्रिसिएशन का कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। कॉस्ट बताएं 30 लाख। 30 लाख। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो क्या माइनस करनी है? WDV या कॉस्ट? कॉस्ट। ये सारों की कॉस्ट है। अब दो जो चले गए उनकी कॉस्ट ढूंढ के लाएं। 7 लाख और 5 लाख। 7 लाख
बेटा बातें नहीं, बुरी बात, माइनस 5 लाख, ये क्या बची? उन एसेट्स की कॉस्ट जो पूरे साल इस्तेमाल हुए, कितनी है भाई साहब? ना मारे आदमी है सर, 10 लाख कहाँ से मैं पूरे करूँगा जी भाई? 17 लाख। अब इसमें से क्या माइनस करूँ? नहीं है, रेट बोले फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया? हाँ मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन बता रहे थे, फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, कितने एडिशन है? पहला रेजिडुअल वैल्यू है, रेट रूल इनटू आंसर 367। दूसरा एडिशन 6 लाख, रेजिडुअल वैल्यू रेट रूल फ्रैक्शन आंसर 4850। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कितने डिस्पोजल है? डब्ल्यू डी वी पे या कॉस्ट पे? ये कौन कह रहा है डब्ल्यू डी वी पे? कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन। भाई देखे मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ अल्लाह के बंदो, इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तानी की बात करोगे तो मारेंगे ना पकड़ के। चलो आओ, और जब भी कैमरा ऑन हो किसी की बात नहीं करनी, किसी पॉलिटिशियन की, बस कैमरा बंद करके करनी है। चलो आप बोलो, 5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 10% का। भाई गिलगित वालों क्या कर रहे हो? रेट बोले रूल ओपनिंग से इनटू ये, मैंने कहा भी था पहले ये लिखवाना है यार, यही तो गलती करोगे, ये पेपर में गलती हो जाएगी तुम्हारे से। भाई ये ध्यान से, इसलिए तो मैं जान के ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आप गलती करें और वो गलती यहीं पे पकड़ी जाए, ठीक है? इनटू 10%, आप बोले 5 बाय बोले 2916 आगे आए। दूसरा डिस्पोजल रेजिडुअल वैल्यू रेट इनटू बोले 666, टोटल 3251। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एंट्री बोले, और एसेट का नाम क्या? बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से? 326 सुकून आ जाए। बातें नहीं प्लीज, डेप्रिसिएशन लिखवाएं 326251। अब ये फार्मूला कितनी दफा लगेगा? पहला डिस्पोजल बताएं, 7 लाख, रेजिडुअल वैल्यू रेट, कब बाय किया था? 1-9 पहली डेप्रिसिएशन, कितने मंथ? दूसरी कितने मंथ? कब चला गया? 31/5 कितने महीने? टोटल डिवाइडेड बाय आंसर 1.7 मल्टीप्लाई करें 5 डबल, ओके हो गया। अब आ जाए इधर, इधर ही उसकी डब्ल्यू डी बी ले आते हैं, कॉस्ट माइनस कॉस्ट बोले, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले, आंसर बोले 577500। ओके हो गया, दूसरे के लिए आ जाए, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू बोले, रेट बोले
कब बाय किया? एक एक कितने महीने? बेटा बातें नहीं प्लीज मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था ना एफ आर टू में करेंगे इंशाल्लाह। 31 12 पाँच कितने? अगर टाइम मिला तो 31 12 कितने? इसके बाद 31 कितने? टोटल करें, डिवाइड करें, आंसर दें। 6 6 7 3.667 आंसर। 3.67 यहाँ, चलो कोई बात नहीं, आंसर दो। 2 0 5 00 एक बोले बस। 2 0 1 बार बार एक एक मिनट, अगर यहाँ इस गरीब की बात मान लेते ना तो सारी लड़ाई खत्म हो गई थी। कुछ ज्यादा ही राउंड ऑफ करने का शौक हो रहा है, यही मैं कह रहा था बीबी। चलो 6 6 6 अब लड़ेगा कोई नहीं वरना मैंने भाग जाना है। बोलो 2 0 1 ओके बस। अब आए WDV पे, कॉस्ट बोले 5 लाख माइनस 2 0 1 6 8 5 आंसर। 3 4 8 3 1 5 बेटा बातें नहीं प्लीज कैपमैन, बुरी बात। ओके हो गया। अब ये दोनों WDVs मुझे बताएं, पहली बताएं। 1 यार सारे ना बोले प्लीज प्लीज पेशेंस प्लीज रिक्वेस्ट है। एक बच्चा बोले जिसका आंसर आ चुका, बोले 5 7 7 फाइव डबल। दूसरा बोले 1 2 5 1 2 2 3 4 8 डिस्पोजल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट अपनी अपनी टोटल करें 2 25 लाख माइनस करें 1 4 4 3 9 9 1 2 9 7 9 3 4 आओ भाई एक्सक्यूज मी, पहला वाला डिस्पोजल ले लेते हैं। कितने पे आउट हुआ? एंट्री बोले कितना कैश आया इससे? ये कौन सा वाला था? 7 लाख वाला। कितना पैसा आया? एंट्री बोले गेन हुआ लॉस हुआ कितना? ओके हो गया। क्या बिल्डिंग दो है, दूसरे की भी बनाऊंगा सबर का। अच्छा, नाराजगी नहीं, ये चैंपियंस को संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर भी फर्नीचर लेगा, बिल्डिंग और कहीं फर्नीचर लिखा हो तो मैं तुझे तोड़ के रख दूं। नहीं चलो अब आए डिस्पोजल एक और बनाते हैं। डिस्पोजल जी भाई, डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट अपनी। ये कौन कॉस्ट कह रहे हैं?
कौन कह रहा है ये कॉस्ट? डब्ल्यू डी वी कितना? 348315। कितना कैश आया? 4,50,000। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 4,50,000। गेन है लॉस है? गेन है। कितना? 101685। क्या आ गया भाई? क्या आ गया? गेन आ गया। ठीक है भाई, आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।